नीलम पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे का एक ठेला चलाती थी। रोजाना सुबह ही उसके ठेले पर गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। स्कूल कॉलेज आसपास की दुकान बाजार के लोग हर कोई नीलम के गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने के लिए दिन में एक बार जरूर आता था। उन्हीं में से एक लड़का मानव नीलम के पास छोले कुलचे खाने अक्सर आता रहता था। नीलम आंटी, मैंने मम्मी पापा को बताया था कि आपके छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए आज मैं घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला डालकर मुझे छोले कुलचे पैक कर दो प्लीज। चिंता मत करो बेटा, मैं गरम गरम बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक कर दूंगी। इसमें मसाले अपने हिसाब से मिला लेना। तुम्हारे मम्मी पापा कोई हल्का कोई ज्यादा मसाला खाते होंगे, इसलिए मैंने मसाले नहीं मिलाए हैं। ठीक है आंटी जी, ये लो आपके पैसे। अरे आंटी, इसमें 30 रुपए कम है, मैं आपको कल दे दूं? कोई बात नहीं बेटा, बाद में आ जाएंगे, मेरे रुपए कहीं भागे नहीं जा रहे, तुम तो रोज ही आते हो, जब हो तब दे देना। थैंक यू आंटी, अच्छा मैं चलता हूँ। मानव कुलचे छोले लेकर चला जाता है। मानव के मम्मी पापा नीलम की खूब तारीफ करते हैं। ये पुरानी दिल्ली की छोले कुलचे वाली तो बड़े स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाती है, बहुत ही साफ सुथरे, अच्छे से मसाले मक्खन सब डाला हुआ, बहुत बढ़िया कुलचे भी, देखो कितने मुलायम है। हाँ मानव की मम्मी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। मानव बेटा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना हम एक स्टॉल नीलम का भी तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में रखवा लें, उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी और बर्थडे पर मेहमानों के बीच तारीफ भी रहेगी कि हमने पुरानी दिल्ली के छोले कुलचे का ठेला लगवाया है। ठीक है पापा, मैं कल ही नीलम आंटी से इस बारे में बात कर लेता हूँ, फिर वो आपसे मिल लेंगी, आप उन्हें अपने हिसाब से समझा देना। अगले दिन मानव स्कूल से अपने दोस्त के साथ नीलम के पास यही बात कहने जा रहा था, पर जैसे ही वो नीलम के ठेले के पास पहुंचा, अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से दो बदमाश बाहर निकले और मानव को पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगे। मानव का दोस्त वहीं दीवार के पीछे छुप जाता है। नीलम चिल्लाकर वहां पहुंची, छोड़ उसे, छोड़ उसे। नीलम आंटी बचाओ, नीलम आंटी बचाओ, कोई मदद करो, उस बच्चे की कोई मदद करो। बदमाश नीलम को धक्का दे देते हैं और मानव को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। पर नीलम भी कहां मानने वाली थी, वो एक ऑटो रोकती है और उस गाड़ी का पीछा करती है। भैया भैया, उस गाड़ी का पीछा करो, उसमें बदमाश है, वो मानव बेटा को ले जा रहे हैं। क्या उस गाड़ी में बदमाश है? मैं नहीं जाऊंगा, उतरो उतरो यहां से, उतरो, नीचे उतरो, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। अरे तुम में इंसानियत जिंदा भी है या नहीं? अच्छा ठीक है, आगे मत जाना, मुझे पीछे उतार देना। अभी तो चलो, पता नहीं वो गाड़ी वो नहीं, बस थोड़ा दूर चला लो, बस थोड़ा दूर और चला लो, कोई बात नहीं, पर मुझे उनका पीछा करना है। ऑटो वाला कुछ दूर तक तो नीलम के साथ गया, पर जैसी गाड़ी एक सुनसान खंडहर के बाहर रुकी, ऑटो वाला नीलम को वहां छोड़कर भाग गया। अब क्या करूं, ऑटो वाला भी चला गया, गाड़ी तो वहां खड़ी है, इसका मतलब मानव को वो बदमाश खंडहर के अंदर ले गए हैं। मैं किसे मदद के लिए बुलाऊं, मेरे पास तो मानव के माता पिता का नंबर भी नहीं है। एक काम करती हूँ, बंटी के पापा को फोन मिलाती हूँ, वो किसी तरह मानव के मम्मी पापा का घर पता कर सकते हैं। नीलम अपने पति के मोबाइल पर फोन मिलाती है और सारी बात बताती है। अरे नीलम, तुमने एक बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है, हैं? न जाने तुम कहाँ हो, मैं मानव नाम के उस लड़के के माता पिता को कहाँ ढूंढूंगा, बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे ठेले के आसपास जाता हूँ, वहाँ शायद कुछ पता चल जाए। नीलम अपना ठेला ऐसे ही छोड़ाई थी, उसका पति एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए नीलम ही घर की देखभाल करती थी और छोले कुलचे का ठेला भी लगाती थी। उसका पति बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर उसके ठेले तक पहुंचता है, तभी एक दुकानदार मानव के घर के बारे में बता देता है। वो लड़का, हाँ हाँ, उसे हम अच्छे से जानते हैं, उसके पापा कभी कभी हमारी दुकान से मिठाई खरीद कर ले जाते हैं, बीच में उनकी बहन की शादी थी तो हमारे से ऑर्डर पर उन्होंने मिठाई बनवाई थी, मेरे पास उनका नंबर जरूर होना चाहिए, बेचारों का बच्चा मुसीबत में है भाई, किसी की सहायता हो जाएगी, रुको मैं मिलाता हूँ नंबर है। आदमी फोन नंबर मिलाता है और सारी बात मानव के पापा को पता चलती है, वो तुरंत ही पुलिस को लेकर बाजार में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, रमेश जरा नीलम को फोन मिलाओ और पूछो कि मेरे बेटे के बारे में उसे कुछ पता चला, वो ठीक तो है ना। हेलो नीलम, अरे अभी तुम कहाँ हो, मैं मानव के पापा और पुलिस के साथ हूँ, वहीं पहुँच रहा हूँ, ये लो इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ जी नीलम जी, हम थाने से बोल रहे हैं जी, हमें जो है थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आप कहाँ और किस जगह पर खड़ी हैं, ताकि हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच सकें। इंस्पेक्टर साहब, इस जगह एक पुरानी सी कोठी है, पीले रंग की दीवारें हैं उसकी। गोलाकार कोठी है, ठीक है, जिसमें बांस की खिड़कियाँ लगी हुई हैं। हाँ हाँ,
वहाँ एक खंडहर है, बदमाशों ने मानव को अंदर रस्सियों से बांध रखा है। इंस्पेक्टर अभी नीलम से बात कर ही रहा था कि तभी मानव के पापा के फोन पर एक अनजान कॉल आता है। किशन जी, आप बदमाशों को फोन में उलझाकर रखिए, मुझे पता चल गया है कि वो लोग कहाँ मानव को लेकर गए हैं। चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही बदमाशों को पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर के कहने पर मानव के पापा बदमाशों को बातों में उलझाए रखते हैं। ए, तेरा बाप आ रहा है समझा? पूरे 50 लाख रुपए मांगे हमने तेरे बाप से। अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हे भगवान, मानव बेटे की रक्षा करो। तभी पुलिस और मानव के पापा रमेश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस खंडहर को चारों ओर से घेर लेती है और बदमाश पकड़े जाते हैं। मानव सेफ था। पापा आप यहाँ कैसे आए? ये बदमाश मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए थे। रेवलदार, रे पकड़ लो इन सब बदमाशों को। नीलम आंटी आप? मानव बेटा, नीलम की वजह से ही आज तुम्हारी जान बची है। नीलम ने ही रमेश को फोन करके हमारे तक बात पहुंचाई। नीलम, तुमने जो आज हमारे बेटे के लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? साहब, मानव बेटा को मैं कुछ कैसे होने दे सकती थी? ये बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मानव ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। पुलिस बदमाशों को पकड़ कर ले जाती है। नीलम और रमेश भी मानव के पापा के साथ उनके घर पहुंचते हैं। नीलम, रमेश, तुम दोनों ने जो मेरे बच्चे के लिए किया है उसके बाद मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर का चिराग, मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया। शकुंतला, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, बेचारे सुबह से भूखे प्यासे हमारे बच्चे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मानव के माता पिता बहुत खुश थे कि उनका बच्चा सही सलामत घर आ गया। इसके बाद नीलम और रमेश घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद मानव का जन्मदिन था। मानव के पापा नीलम को अपने घर छोले कुलचे का स्टॉल लगाने के लिए कहते हैं। पता है फ्रेंड्स, नीलम आंटी के कुलचे छोले बहुत मशहूर हैं। पापा ने बोला है पुरानी दिल्ली में अब नीलम आंटी के छोले कुलचे की खुद की दुकान होगी। पता है नीलम आंटी, पापा ने मुझे कल ही बता दिया था। दुकान? हाँ नीलम, तुमने हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ किया तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। मैंने देखा है रमेश की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए तुम्हारी अपनी दुकान होगी तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी और रमेश भी दुकान पर आराम से तुम्हारे साथ बैठ सकता है। मानव बेटा चलो सब मिलकर केक काटते हैं। आओ आंटी, आप भी चलो। बंटी तुम भी चलो, हम सब मिलकर केक काटेंगे। कुछ दिनों बाद मानव के पापा नीलम को पुरानी दिल्ली में ही एक दुकान दिलवा देते हैं। अब नीलम की खुद की कुलचे छोले की दुकान थी जहां रमेश भी उसके साथ बैठता था। नीलम ने निस्वार्थ भावना से किसी की मदद की और ईश्वर ने उसकी मदद की। नीलम की पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे की खुद की दुकान बन गई। जब सबको नीलम की बहादुरी के बारे में पता चला तो सब उसकी दुकान पर छोले कुलचे खाने के लिए आने लगे और धीरे धीरे उसके छोले कुलचे पूरे शहर में फेमस हो गए। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले, कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं, इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी चाची बहुत बुरी है, चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना,
मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप पर लोग सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे, इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो, बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ, मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूँ, हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को, रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चो जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे है तेरे पास? अगर पैसे है तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूँ, दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया, मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी, वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है, चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा है। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच, कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी।
कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था।